यानी कि हम आगे बढ़ते हैं और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है इसमें आपको लगभग 150+ पॉइंट आपको सिखाए जाते हैं, 150+ फॉर्मूलेज आपको बताए जाते हैं, बॉडी के अंदर काम करने वाले 11 सिस्टम कैसे काम करते हैं, उनका क्या फंक्शन है, कौन से ऑर्गन का क्या फंक्शन है, किस हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी आएगी, कौन सा ऑर्गन अगर ज्यादा हाइपर हो जाए तो क्या दिक्कत आ सकती है, इस तरीके की कंप्लीट नॉलेज न्यूरोथेरेपी से संबंधित आपको दी जाती है। कौन कर सकता है? तो हर वो व्यक्ति कर सकता है जो न्यूरोथेरेपी में अपनी करियर को बनाना चाहता है, इसे एज ए प्रोफेशन एडॉप्ट करना चाहता है, एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट काम करना चाहता है, देश के किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी कोने में न्यूरोथेरेपी का सेंटर चलाना चाहता है। कहां से करना है? तो ये न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा कोर्स ऑल इंडिया न्यूरोथेरेपी एकेडमी, जो कि डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी के द्वारा बनाई गई मेन संस्था, उसके माध्यम से इस कोर्स को आप करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके आधार पर आप देश के किसी भी हिस्से में जहां भी रहते हैं आप न्यूरोथेरेपी का सेंटर चला सकते हैं। उस सेंटर में केवल और केवल न्यूरोथेरेपी के आधार पर ही आप काम कर सकते हैं, ठीक। तो ये प्रोफेशनल कोर्स क्या है, 1 साल + 6 महीने के इंटर्नशिप के साथ होता है, यानी कि 1 साल आपको कोर्सेज कराया जाता है और उसके बाद में आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्लिनिक कैसे चलाया जाता है, ये सब चीजें उसमें सिखाते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपका 12th पास होना जरूरी है। अभी तक तो ये है कि आप 12th पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आप आर्ट्स से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं। इन फ्यूचर में आने वाले समय में हो सकता है कि ये क्राइटेरिया केवल साइंस साइड के लोगों के लिए ही हो, अभी तक जो है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि यूजीसी के नियम के हिसाब से धीरे धीरे जो मेडिकल कोर्सेज हैं वो 12th विद साइंस होना चाहिए, है ना। तो अगर आप एज ए प्रोफेशन न्यूरोथेरेपी को अपनाना चाहते हैं तो आप न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं।